यूपीए सरकार को हराकर केंद्र में जनता के साथ बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और जनता उनके कार्यकाल से खुश है या नहीं, इसके लिए एक संस्था ने मोदी सरकार के 4 साल पर सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे मोदी सरकार और बीजेपी को राहत देने वाले हैं। सर्वे में मोदी सरकार फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, हालांकि गत वर्ष के मुकाबले 3% अंक में गिरावट भी आई है। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स के सर्वे में हर 10 में से 6 लोगों का मानना है कि मोदी ने अपने वादे पूरे करने में कामयाब रहीं। सर्वे में शामिल लोगों में 3/4 ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नीति का समर्थन किया है। सर्वे के मुताबिक 54% लोग मानते हैं कि टैक्स टेररिज्म घटा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 56% लोग मान रहे हैं कि मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए सही ट्रैक पर जा रही है। हालांकि पिछले साल इसी सर्वे में 59% लोगों की यही राय थी, यानी 1 साल में 3% की गिरावट आई है। 2016 में यही आंकड़ा 64% था, यानी सरकार की विश्वसनीयता में लगातार कमी आ रही है। सर्वे में मोदी सरकार को सबसे बड़ी राहत GST और नोटबंदी के मोर्चे पर मिली है। 32% लोगों का कहना है कि GST के बाद उनका रोजमर्रा का खर्च घटा है। 60% लोगों का मानना है कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सर्वे का एक आंकड़ा 2019 सेकंड पहले प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर चिंता बढ़ा सकता है। सर्वे में शामिल लोगों ने शिकायत की कि सांसद अपने क्षेत्र में समय नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सांसदों के साथ बैठक कर इस बात जोर देते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ संपर्क बनाएं। इस सर्वे में करीब 23 क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी सामने आई है, जिसमें लिविंग कॉस्ट बढ़ना, सांप्रदायिक मामलों को प्रभावी तरीके से हैंडल न कर पाना, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने की जरूरत के साथ साथ बच्चों व महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकना शामिल है।